अभी हम मौजूद हैं नारकेलडांगा में, और आपको बता दें एक महिला है जिनकी उम्र 44 साल है और नाम रोजी परवीन है। वो 19 तारीख से मिसिंग है, और आपको बता दें ये मिसिंग हुई है MG मेट्रो स्टेशन से, और बताया जा रहा था कि 6:39 पर मेट्रो पे चढ़ी है और दक्षिणेश्वर में जाके उतरी है 7:17 पे। उसके बाद ऑटो में बैठी है, ऑटो में बैठने के बाद से ही मिसिंग है और अभी तक उनका कोई पता नहीं है वो है कहाँ, और काफ़ी इनके घर वाले काफ़ी परेशान हैं। हम बात करते हैं परवेज खान जी से। जी कौन? मेरे वाइफ है जी। वही 7:19 में शाम को रात को देखा गया है वहाँ पे, उसके बाद में कोई पता ठिकाना नहीं लग रहा, और हम लोग बहुत परेशान हैं, अभी तक के कोई खबर वबर नहीं मिला है। अब हम लोग यही सोच रहे किसी भी हिसाब से आवाम से गुजारिश है, जरा जहाँ भी देखे जरा इतला करे जी। हम अपने व्यूवर्स को बोलना चाह रहे हैं कि आपके स्क्रीन में एक फ़ोटो आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, हाँ आप स्क्रीन में फ़ोटो आ रहा होगा, और आप स्क्रीन में जाके जो भी महिला हैं रोजी परवीन जो भी है उनको आप देखें, अगर वो आपको कहीं दिखती हैं तो प्लीज़। अच्छा, कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है? हाँ, 9339756835 जी। तो ये 19 तारीख से कहाँ से, मतलब नारकेलडांगा से कैसे गायब हुई बताएं? कैसे उनको जरा ये है, क्या नाम है, क्या बोलता है, मेंटेनेंस का जरा प्रॉब्लम है, 2 बरस से दवा खा रही थी, उनको नहाने का ज़्यादा बहुत ये रहता था, और एक बहन का जाने के लिए आलम बाज़ार जाने के लिए बराबर जीत करती थी, तो कभी कभी जाने दिया जाता था, फिर कॉन्टेक्ट नंबर से उसको छोड़ा जाता था। उस दिन इसी तरीक़े से उठी है, चले गई है, और पैजामा पहनी से सलवार पहन के, जो आखिरी हम लोग देखा है 7:17 पर 19 अगस्त को वहीं पे, उसके बाद में कोई खबर नहीं है भाई। सारा खानदान वाला परेशान है, हम लोग तो बहुत गरीब आदमी, बहुत माली हालत से आदमी का रहिए, और एकदम काम धंधा सब बंद हो गया है, आदमी कुछ कर नहीं पा रहा। हम भी शुगर पेशेंट आदमी है, जहाँ तहाँ मतलब चक्कर आ जा रहा जी। यही आप लोगों ने खोजने कोशिश की? बहुत बहुत पोस्टर छपवाया है, आज दक्षिणेश्वर हम लोग 4-5 दिन, कुछ आदमी बता रहा था, एक तो पकौड़ा वाला बता रहा था, अब झूठ बता रहा था कि सच बता रहा है कि हमसे 10 रुपया का पकौड़ा लिए हैं। पैसा वगैरह था? पैसा उनके पास में 100 रुपया एक औरत से लेके गई है, बोले हम जा रहे बहन कन, किसी को बताना नहीं, और उसके बाद में इसीलिए हम लोग जरा समझ गए कि वहाँ से मतलब बहन कन पहुँची से, बस यही सब खोजा खोजी उसी घड़ी से लगा हुआ है, टाइमली नहीं पहुँची से, तो बस उसी यही सब चल रहा आदमी का, अभी तक के कोई पता ठिकाना है नहीं भाई। जरा आप लोग से गुजारिश है कि जरा देखिएगा, इस नंबर पर फ़ोन कर दीजिएगा, ऐसे आलम बाज़ार इलाका में सब जगह बहुत पोस्टर छापा गया है सभी जगह। दक्षिणेश्वर से मैं कहाँ पर वो जा रही थी? आलम बाज़ार हाँ, आलम बाज़ार ऑटो में बैठी, तो कौन जगह में उतरी थी ऑटो में? जो आप अभी उतरते हुए हम लोग नहीं देखा है, उतरते हुए नहीं देखा, देखा है कि मतलब ऑटो में बैठी थी, दूसरा कोई फुटेज ट्रैफिक का खोला गया है उसमें देखा गया है रनिंग में बैठी से। अच्छा। उसके बाद में समझ में नहीं आ रहा ऑटो, और उसके बाद में कोई फुटेजे नहीं है कि समझ में आएगा। वो काली मंदिर में हम लोग घूमते थे, सब आदमी पूरा परिवार का खोजते थे, तो वहाँ पर ही एक आदमी बोला पकौड़ा बेचता है कि उनको हमने देखा है, मतलब 22 तारीख को देखा, उसके बाद में और कोई खबरें नहीं मिल रहा। अब अल्लाह जाने वो झूठ बोली है, बोल रहा है कि सच बोल रहा है, तो हम लोग तो इंसान हैं, कैसे बता सकते। पुलिस की तरफ से कुछ सपोर्ट मिला है आपको? पुलिस की तरफ से सपोर्ट मिला था कब, जब लड़की लोग गई वहाँ MG में वहाँ पे, तो बहुत रिक्वेस्ट की, तो वो लोग बोल रहा था सिविलियन देख सकता है, सिविलियन नहीं देख सकता, पुलिस देख सकता है, तो वो उसके रिक्वेस्ट पर कोई अफसर लिख दिया, उसके बाद में बोला कि जाओ वहाँ पे देख लो, तो फिर हम लोग जब देख वो लड़की लोग जाके देखी तो वो चढ़ते हुए दिखाया गया, तो फिर हम लोग यहाँ से पुलिस लेके गए, बोला गया कि उतरते हुए दिखाइए, तब वो पुलिस वहाँ खड़ा होकर सब खुलवा के दिखाया है, कोई 7:17 में वहाँ सीढ़ी से उतर रही है। कोई और फीमेल घर में है उनके अलावा?
लेडीज कोई है घर? तीन तीन लड़की है। अच्छा, तीन लड़की है। हाँ, तीन लड़की है। और लड़का? लड़का एक है। अच्छा जी, हमारे सामने जो महिला खोई हैं रोजी परवीन जी, उनका बेटा भी यहाँ मौजूद है। क्या हुआ था मम्मी, ऐसे चली कैसे चली गई? मम्मी आंटी गन गई थी, मतलब ये छोटी मम्मी गन, उसका बाद मेरा छोटी मम्मी सो गई तो वहाँ से जाके 100 रुपीस ली है। मेरा दूसरा एक आंटी है उससे लेके, हाँ नारकेलांगा में रहती है, उससे जाके 100 रुपये लेके बोलिए कि हम जा रहे हैं अपना बहन का पास। मेरा मतलब आंटी लगती है दक्षिणेश्वर। आखिरी पता चले कैमरे में देखा गया दक्षिणेश्वर स्टेशन ही पर उतरी है, वहाँ से ऑटो पकड़ी है दक्षिणेश्वर जाने का, बस पता नहीं चल रहा है कि कहाँ उतरी है। उसका बाद से हम लोग बहुत ढूंढा, 3-4-5 दिन ढूंढा लेकिन अभी तक नहीं मिली है। बहुत परेशानी आप लोग? बहुत परेशान है भी? हाँ बहुत परेशान है हम लोग, मेरा घर का सब आदमी लोग परेशान है। हम लोग क्या करें समझ नहीं आ रहा है। आप लोग अगर ज़रा सा भी सकल वकल देखे हुए तो कॉन्टैक्ट करें, ये नंबर पर स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं जो महिला खोई उनका बेटे हैं और काफ़ी परेशान हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इनकी तीन बहन भी हैं। तो जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें, जितना आप शेयर कीजिएगा लोगों के पास पहुँचेगा और हो सकता है कि इनकी माँ इनको वापस मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।